यार ड्रॉइड का न्यू अपडेट आ गया है 9.7 का। हालांकि एक दो अपडेट पहले ही जो है अभी वीडियो बनाया था 9.6 का कंप्लीट रिव्यू किया था, क्योंकि रिबेस्ड बिल्ड अब आ रहे क्यूपीआर 3 पे बेस्ड, तो ये भी जो है आपका क्यूपीआर 3 पे ही बेस्ड रहेगा। बट इस पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ना के बराबर ही है, लेकिन जितने भी चेंजेस हों उनके बारे में आपको बताऊँगा। और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है 9.7 के इस बिल्ड के अंदर में। फर्स्ट बिल्ड है 9.7 का, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। सियाड्रॉइड 9.7 का ये ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है। 5 जुलाई 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, अपडेट किया गया है। कर्नल लेकिन सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे QoS पैनल अभी भी जो है लाइट लैग करता है, काफ़ी लाइट सजेटर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर ब्लूटूथ टाइल की बात करें तो पॉपअप्स मिल जाती है, सेटिंग्स, तो ये सब चीज़ें रहेंगी सेम। और जो टाइल्स है वो भी आपको यहाँ पे सेम मिलता है, टाइल्स कोई भी न्यू ऐड नहीं हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी जो सेटिंग्स है बिल्कुल सेम है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ जो लैग करता है वो भी आपको काफ़ी लाइट सा ही देखने को मिलता है, कोई हैवी लैग बिल्कुल भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ये आपका सेम रहेगा। वॉल्यूम पैनल सेम है, और ऐप ओपनिंग ये भी आपका बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ मिल जाएगा और पहले जैसा ही रहने वाला है, तो इसके अंदर भी ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। अगर बात करते हैं कैमरे के बारे में तो अपर्चर का ही है, कैमरा भी चेंज नहीं हुआ है, सेम है। और GK मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, ऑडियो इफेक्ट्स वर्किंग रहेगा, एंड यहाँ पे FM काम कर रहा है। बाकी गैलरी नॉर्मल है, गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, अनलिमिटेड स्टोर मिल जाएगा, ओके गूगल का बग रहेगा, वाइड वन L1 का सपोर्ट मिल ही जाता है, तो इन सबको लेकर के ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर सर्टिफाइड है, इसको लेकर भी कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी नेट पास आता है, तो बैंकिंग ऐप आराम से यूज कर पाओगे। एंड वॉल पेपर स्टाइल जो दिया गया है वो भी आपको हालांकि यहाँ पे जो है सिमिलर ही देखने को मिलेगी, पूरी सेटिंग्स लॉक्स इन शॉर्टकट का ही, जो कि पिछले में आपको कंप्लीट रिव्यू किया था, सारी चीज़ें बताई था, तो यहाँ ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, अभी भी आपको ये सब कुछ पहले जैसे रहेगा। लॉन्चर में भी एक भी चेंज नहीं हुआ है, लॉन्चर भी पूरा A to Z सेम सेटिंग्स के साथ में ही आता है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। अब बात करें कॉलिंग की, तो कैरियर वीडियो कॉल का बग जैसे पहले आता था उसी तरीके से अभी भी मिलता है, वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये वर्किंग मिल जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है, ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे बैटरी बैकअप सेम रहेगी पिछले अपडेट जैसी, 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87 मिला है, पिछले में भी 87% मिला था, ये सेम रहेगा। और चार्जिंग की बात करें तो 18% से 47% यानी कि 29% चार्ज होने में करीब यहाँ पे 46 मिनट के करीब का टाइम लगा, वहीं लास्ट के 53% चार्ज होने में 1 आवर 15 मिनट के करीब का टाइम लगा। ड्रेनिंग वैसे 2% का ही रहेगा जैसे पिछले में था, एंड यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं है, ये पूरा सेम है। कनेक्टेड डिवाइसेस में कोई चेंज नहीं, कास्ट वर्किंग है, ऐप्स हालांकि सेम ही रहेगा, लॉन्चर आपको बताया ये पूरा सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। बैटरी के अंदर सेटिंग्स के मामले में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ फ़ोन जब आप चार्ज करते हो उस टाइम स्टेटस बार पे बैटरी आइकन पे आपको एक एनिमेशन से देखने को मिलेगा, जो कि मैं दे दूंगा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको स्क्रीन पे, तो आप देख लेना। बाकी इसके अंदर में साउंड एंड वाइब्रेशन जो दिया गया है ये भी हमें बिल्कुल सेम मिलता है, प्रीसेट्स अभी भी इसके अंदर लेटेस्ट नहीं मिलते, वही पहले ही वाले हैं, बट ये वर्किंग रहने वाला है। और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे जाते हैं तो इसके अंदर भी कोई चेंज मुझे देखने को नहीं मिला, पूरा A to Z ये जो है सेम ही है। और सिक्योरिटी के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, रोम इनक्रिप्टेड ही आता है, मैं डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे इनहैंस पिन प्राइवेसी सब के बारे में पिछले में आपको बता दिया था, ऐप लॉक जो है सिस्टम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड हाँ पिछले में एक दिक्कत आपको बता दूँ कि पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि फिंगरप्रिंट जो है ऑफ स्क्रीन पर काम नहीं करता था, सिर्फ ऑन स्क्रीन पर, तो ये चीज़ फिक्स हो चुका है इसके अंदर, सियाड्रॉइड की तरफ से प्रॉब्लम था जो कि फिक्स हो चुका है, काम कर रहा है। और IR फेस अनलॉक है इसका, तो कोई दिक्कत हमें मिलता नहीं, अच्छे से काम कर ही रहा है। वहीं यहाँ पर जो है सियाड्रॉइड सेटिंग में स्टेटस बार के अंदर में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, बट क्विक सेटिंग्स के अंदर हैप्टिक फीडबैक न्यू ऐड किया गया, जो कि ब्राइटनेस स्लाइडर को स्लाइड करोगे तो हैप्टिक फीडबैक आपको देखने को मिलने वाला है, तो ये कि यहाँ पे न्यू देखने को मिलेगा। और लास्ट में यहीं पे जो है देखने को मिलता था डाटा यूजर्स, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है, तो डाटा यूजर्स फिलहाल जो है इस अपडेट के अंदर रिमूव हुआ है। बाकी फिर यहाँ पे लॉक इन पूरा सेम है, नेविगेशन जो है सेम मिल जाएगा, बटन का सेक्शन सेम है, यूज़र इंटरफेस सेम मिलता है, नोटिफिकेशन भी हमें यहाँ पे जो है सेम ही मिलेगा, ये जो नोटिफिकेशन है। साउंड की अगर बात करें तो साउंड भी बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे मिसलिनस ये भी जो है पूरा सेम है, इनमें किसी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये पूरा आपका जो है सेम रहने वाला है। और सिस्टम के अंदर जेस्चर का जो सेटिंग्स है यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अच्छे से काम कर, बट कुछ भी न्यू या कुछ रिमूव ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे नहीं हुआ है। और ये आपका बैक जेस्चर एरो ऐसे 9.6 का एक अपडेट आया था उसमें चेंज हुआ था, वापस ओल्ड वाला ही कर दिया गया था, एंड यहाँ पे जो ओल्ड वाला इनकी कर दिया गया। बाकी आपका हार्ड नोज डेवलपर ऑप्शन पे मिलेगा, एंटूडो स्कोर 5,15,000 मिल जाता है, पिछले में 5,10,000 था, यानी यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।
और सीपीयू थ्रो रेट यहाँ पे 86% मिला, और इसका जो जिप स्कोर है मैक्स पे 1,92,000 है, एवरेज स्कोर 1,77,000 है। पिछला सीपीयू थ्रो रेट 84% था और उसका जो जिप स्कोर था मैक्स पे 1,96,000 था, एवरेज स्कोर में 1,75,000 देखने को पिछले में मिला था। गीगबेंच स्कोर इस बार हमें 574 मिला है सिंगल पे, मल्टी स्कोर 1971 मिला है, और पिछला सिंगल स्कोर 570 था और मल्टी के अंदर 2007 देखने को मिला था, यानी कि इनमें भी कहीं पे कोई फ़र्क हमें नहीं मिलता। और जो गेम स्पेस है ये भी आपका पूरा सेम रहेगा, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम ग्राफिक के बारे में, तो अभी आपको अल्ट्रा एचडी तक अनलॉक मिलेगा जैसे पिछले में था, तो वही सेम ग्राफिक आपको मिलेगा बिल्कुल फुल अनलॉक, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो वही बैलेंस वाली परफॉर्मेंस सेम रहेगी, इसके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि आप देखें इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर चेंजेस हुआ है। इसीलिए सीआर ड्रॉइड का जो है करीब एक मंथ के बाद रिव्यू करता हूँ तो कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एक इसके वीकली अपडेट्स आते हैं, इतना ज़्यादा चेंजेस एक एक वीक में अगर आप देखोगे तो चेंज इतने नहीं होते हैं। तो अगला रिव्यू देखते हैं, वन मंथ बाद करेंगे, देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। और से जो बैक जैसर एरो है अभी 9.6 का मैं तो किया था रिव्यू उसे, लेकिन 9.6 का अभी जो बीच में इसके अपडेट से पहले एक और आया था तो उसमें ऐड किया था बैक जैसर जो लेटेस्ट वाला है जिसमें बैकग्राउंड एंड मॉनिटर मिलता है वो ऐड किया गया था, फिलहाल उसको अभी रिमूव कर दिया गया इस अपडेट में, आगे में भी शायद तक ऐड किया जाएगा, बट अभी इस अपडेट में 9.7 का जो फर्स्ट बिल्ड आया ये इसके अंदर उसको रिमूव कर दिया गया है, नहीं तो एक चेंज वो भी मिल जाता अभी फिलहाल रिमूव है। बस यही था आज की इस वीडियो में, बाकी फिंगरप्रिंट का जो इशू था वो फिक्स हो ही चुका है, ऑफ स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम था सिर्फ ऑन स्क्रीन पे काम कर रहा तो वो फिक्स हुआ, तो कुछ चीज़ें फिक्स भी हुई हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।